दोस्तों मेरे पास बहुत दूर दूर से फोन आते हैं, लोग मिलने आते हैं और मुझसे पूछते हैं कि एग्जैक्टली ध्यान क्या है, मेडिटेशन कैसे करें। तो मैं तरह तरह की विधियाँ बताता हूँ। कुछ लोग बहुत कामयाब होते हैं मेडिटेशन करने में और कुछ लोगों से ध्यान होते ही नहीं। वो ये बोलते हैं, हम जब भी ध्यान करने बैठते हैं तो बहुत सारे विचार मन में आते हैं, हम इनसे कैसे मुक्ति पाएं। तो वो तरह तरह की विधियों का सहारा लेते हैं, उनको करते हैं, बहुत लंबे समय तक करते हैं, किसी को फायदे मिलते हैं, किसी को फायदे नहीं मिलते। तो देखिए एग्जैक्टली मेडिटेशन क्या, वो समझने की चीज़ है, समझने वाली बात है। मेडिटेशन विधियाँ नहीं है कि आपने ये चैंटिंग करी, ऐसे श्वास छोड़ी, ऐसे होल्ड करी, ऐसा किया वैसा किया तो मेडिटेशन होगा। नहीं, ये सारी की सारी विधियाँ क्यों है, आपके चेतन मन को किसी भी तरह से शांत रखने के लिए, आपको आपके माइंड से बाहर निकालने के लिए विधियाँ। मेडिटेशन क्या है, एक बार आपकी अगर समझ में आ जाए तो फिर वो अपने आप होने लगता है। बड़ी आसानी से आप मेडिटेशन में टाइप कर सकते हो, गोते लगा सकते हो। मेडिटेशन के लिए आप क्या करिए, बहुत सिंपल मेथड बताता हूँ, आप इसको करके देखिएगा। आप क्या करिए, अपनी ब्रीथ को सिंपली देखते रहिए, शांति से देखते रहिए। तो ब्रीथ को देखना ऐसा सुनने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन जैसे ही आप देखना शुरू करोगे तो क्या होगा, आप मुश्किल से 10-15 सेकंड के लिए ब्रीथ को देख पाओगे और आपका मन आपको बाहर ले जाएगा। लेकिन इसके लिए जरूरत किस चीज़ की, अभ्यास की। तो आपको क्या करना है, ब्रीथ को कैसे देखना है, जैसे आप ब्रीथ को इनहेल करते हो, तो आप ऐसे समझो कि जो इनहेलेशन है इसके साथ आप सवार होकर अंदर चले जा रहे हो। आप अपनी ब्रीथ पर बैठे हो और अंदर चले जा रहे हो, तो समझो यहाँ तक आपने ब्रीथ ली, यहाँ तक ली, या और भी नीचे तक, जहाँ तक भी आपने ब्रीथ ली वहाँ तक आप गए। और फिर जब एक्सेलेशन हो रहा है तो आप उस ब्रीथ के साथ ही बाहर आ रहे हो। मीन्स ब्रीथ के साथ आप अपनी बॉडी में जा रहे हो और बाहर आ रहे हो, जा रहे हो और बाहर आ रहे हो। एग्जैक्टली हम क्या है, ब्रीथ ही है हम। तो आप क्या होगा, आप अपनी श्वास में समा जाओगे और श्वास के प्रति जो आपका ऑब्जर्वेशन होगा वो गहरा हो जाएगा। बाद में आपको मालूम पड़ेगा कि आप ये श्वास भी नहीं हो, ये जो हवा आ रही है और जा रही है ये नहीं हो आप, बल्कि इस हवा में सवार होकर जो अंदर जाता है और जो बाहर आता है वो हो आप। जो इस ब्रीथ के बाद में भी लास्ट लास्ट में डेथ के समय जब ये ब्रीथ नहीं भी आती है तो भी मिटता नहीं, आप उसे जान लोगे, उसे देख लोगे तो कभी नहीं मिटता। लेकिन इसके लिए बड़े लंबे अभ्यास की जरूरत है। अब अगर आप करते रहेंगे तो जरूर पा लेंगे, करके जरूर देखिएगा। अपनी ब्रीथ के साथ अंतर यात्रा कीजिए और बाहर आइए, बड़ा गहरा ध्यान है, आसानी से होने लगेगा आपसे।